आज जिस चीज़ के बारे में हम लोग जानने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट्स का IUPAC नेम हम किस तरह से लिखेंगे ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग IUPAC के बारे में जान लें कि IUPAC क्या है, और इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं और वो मैं यहाँ पर आपको बतलाऊँगा। तो IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और कुछ बातें जानते हैं IUPAC से रिलेटेड। तो IUPAC जो है वो रसायन के नाम को रखने में हमारी हेल्प करता है, और साथ ही साथ ये रसायन शास्त्र की व्याख्या करने में भी हमारी मदद करता है। एक बुक है जिस बुक का नाम है ब्लू बुक। उस बुक में जो है कार्बनिक यौगिक के का नामांकन हम IUPAC ने नामांकन कैसे करेंगे उसका नियम उसमें दिया हुआ है। और एक बुक है रेड बुक, उसमें अकार्बनिक यौगिक के नामांकन के नियम को दिया गया है, उनके नियम का उल्लेख किया गया है कि IUPAC नेम जो है अकार्बनिक यौगिक हम कैसे लिखेंगे। ओके, तो थोड़ी सी बातें मैं आपको बता दूँ कि कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। देखिए, यौगिक क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक तत्व से जो मिलकर बनता है वो यौगिक कहलाता है, और वैसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता है कार्बनिक यौगिक कहलाता है, और ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन की प्रेजेंस वहाँ नहीं होती है उस यौगिक में उसको अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तीसरा एक और बुक है ग्रीन बुक। ग्रीन बुक जो है उसमें भौतिक राशि को किन किन चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं, किन किन चिन्हों का यूज़ करते हैं उसे दिखाने में, उस बातों का जिक्र किया गया है, उन सभी चीज़ों का उल्लेख किया गया है ग्रीन बुक में। ये भी IUPAC से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब एक और बुक है गोल्ड बुक। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें रसायन शास्त्र से संबंधित परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और एक हमारा एक और पद्धति है, उस पद्धति का नाम है IUBMB। ये भी IUPAC से ही संबंध रखता है। मैं इसका फुल फॉर्म आपको बतला दूँ, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, तो और जो छोटी छोटी बातें जो बार बार खोजी जा रही हैं, या जिन जिन बातों का नई चीज़ों का खोज हो रहा है, उन सभी का उल्लेख प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नामक पत्र में उसका प्रकाशन होता है, उसका उल्लेख किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। IUPAC की जो स्थापना हुई थी वो 1919 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय है ज्यूरिक जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसको हिंदी में हम लोग शुद्ध और अनुप्रयोगिक रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ कहते हैं। ये एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, और जो है ये ICSU का सदस्य है। ठीक है, ICSU का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन। ओके, अब देखिए एक बात है, ये है कि 30 दिसंबर 2015 को जो है कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर सातवीं पंक्ति में कुछ चार एलिमेंट का कॉलम खाली था, जिस कॉलम को पूरा करने के लिए इन्होंने चार एलिमेंट की खोज की थी और उसका IUPAC नेम दिया था। वो एलिमेंट का जो नंबर है वो 113, 115, 117 और 118, ये परमाणु संख्या है उस एलिमेंट का। और इसकी खोज की थी जापान, रूस और अमेरिका के वैज्ञानिक ने। ठीक है, जैसे देखिए IUPAC नाम जो है, जैसे यहाँ देख लिखा हुआ अस्थाई नाम और प्रतीक। ठीक है, तो 113 का जो IUPAC नाम है या उसको अस्थाई नाम से यहाँ बताया गया है वो है यूनिनेट्रियम, या इसको प्रतीक जो है या संकेत बोलिए ये UUT है। ओके, और इसी तरह 115 का भी देख सकते हैं, 117 का आप देख सकते हैं, और 118 का भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, अब अस्थाई नाम क्यों कहता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ये हम जो है लास्ट में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि ये इसे अस्थाई नाम क्यों कहता है। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते हैं कि अब IUPAC नेम किस तरह से एलिमेंट का लिखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ नोटेशन, इस नोटेशन को आप याद रखें। जीरो को नील बोलता है, और इसको संकेत जो है इसका संकेत स्मॉल n है। वन को अनयून बोलता है, यून इसका संकेत u है। दो को बाई बोलता है, इसका संकेत b है। थ्री को ट्राई बोलता है, इसका संकेत t है। फोर को क्वाड बोलता है, इसका संकेत q है। फाइव को पेंट, इसका p। सिक्स को हैक्स, संकेत h। सेवन को सेप्ट, संकेत s। एट को ऑक्ट, संकेत o। नाइन को इन और संकेत ई।
ठीक है। तो नेम जो लिखेंगे, नेम का ये इम्पोर्टेंट ये है फॉर्मूला, एक तरह से कह लीजिए नोटेशन प्लस IUM लगाते हैं। नोटेशन लिख देंगे सबसे पहले और उसके बाद लास्ट में IUM लगा देंगे, तो वो हो जाएगा IUPAC नेम किसी भी एलिमेंट का। आइए आगे देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल हमने लिया है, देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे। जैसे वन है, वन को हम लोग बोलते हैं यून, यून ठीक है। फिर वन को क्या बोलेंगे, यून, और इसको बोलेंगे BI ठीक है। तो इस सारे नोटेशन को हम लोग एक जगह लिख देंगे, हो जाएगा क्या, हो जाएगा यून BI, लास्ट में IUM लगाते थे, यून BM हो जाएगा, ठीक है, समझ गए हैं आप लोग। तो इसको हम इरेज करते हैं और देखते हैं आगे। देखिए तो यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है एलिमेंट का नाम क्या है, यून BM, और सिंबल है जो फर्स्ट लेटर था, मैंने सिंबल भी वहाँ दिखलाया ही था उस वाले मेथी में, तो इसका सिंबल जो है वो UUB है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे है हमारा एटॉमिक नंबर 116 का हमने लिया है, ठीक है। तो 116 का जो है इसका देखते हैं किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो 1 का हो जाएगा UN और 6 का होगा HEX। फिर क्या करेंगे, नेम लिखने के लिए क्या बताए थे कि इसका जो है नोटेशन लिख लेंगे यून हैक्स EM, लास्ट में IUM लगाते थे, तो ये इसका हो गया नाम, ठीक है। तो इसको हमने इरेज कर दिया, अगर आपको बात समझ में आ गई तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर इसका नाम भी देख सकते हैं, इसका नाम है यून हैक्सियम और सिंबल है UUH, एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वह है 116। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ ध्यान से देखिए इसको, अगर मैं देखिएगा आप लोग, इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ, देखिए इसका 112 का जो एलिमेंट का नेम है वो है UN BM और 116 का जो है वो है UN Hexium, ये यूनियन हैक्सियम, ठीक है, ये हमारे एलिमेंट का नाम हो गया, ओके। तो अब देखिए, अब मैं बतला देता हूँ आप लोगों को कि अस्थाई नाम क्या क्यों दिया गया था। अस्थाई नाम इसलिए दिया गया था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लेंथेनाइड ग्रुप के ये सारे एलिमेंट है, लेंथेनम्स ये है, और ये सारे जो है लेंथेनाइड ग्रुप के एलिमेंट है इस रो में। तो जब एलिमेंट का खोज हुआ और उस तरह से पीरियोडिक टेबल उसे सजाया गया, एक सुसज्जित ढंग से उसे रखा गया, ठीक है। तो जब ये मान लीजिए लेंथेनाइड ग्रुप को पूरा करने के लिए, या किसी भी मान लीजिए सेवंथ रो को, जिसमें दिया गया था कि सेवंथ रो को पूरा करने के लिए, तो सेवंथ रो में कुछ छूट गए थे, 113, 14, 15, 16, 17, 18 कुछ की खोज हो गई थी, 114 की खोज हो गई थी, 116 की खोज हो चुकी थी, लेकिन कुछ छूटे हुए थे, 113, 115, 117, 118 ये सारे कॉलम छूटे हुए थे। और आप लोग बोलेगा 116 का क्यों खोज हो गया था, तो 116 में उसको इसलिए रखे थे क्योंकि वो जो है 7A के अन्य तत्वों के साथ उसका जो है भौतिक गुण या रासायनिक गुण जो है वो मैच करता था, इसलिए उसको 116 में रखा गया था जिस एलिमेंट का खोज हो चुका था। इसीलिए 113 का बाद में खोज हुआ, 116 का पहले हो गया, क्योंकि मान लीजिए हमें क्या हुआ, 116 इस एलिमेंट के बारे में पहले पता चल गया, जो 6A वाले ग्रुप से उसका भौतिक और रासायनिक गुण मिल रहा था, इसलिए उसको इसी कैटेगरी में रखा गया। तो 113, 115, 117, 118 इसका खोज नहीं किया हो सका, तो उसका हम लोग ने एक IUPAC नाम लिख के उस कॉलम को पूरा कर दिया। तो IUPAC नाम लिख के पूरा कर दिया, लेकिन उसका बाद में एक जो है प्रॉपर नेम रखा गया, और जब तक प्रॉपर नेम नहीं रखा गया तब तक हम IUPAC नेम के थ्रू उसे उच्चारण करते थे। तो इसीलिए IUPAC नेम को जो है अस्थाई नाम कहा जाता है, क्योंकि जब इसका नाम हमें मिल गया, इस एलिमेंट का नाम हमें पता चल गया, तो वो IUPAC नेम को हम लोगों ने हटा दिया और पीरियोडिक टेबल में हमने 113 का नाम दे दिया निहोनियम, और इसका संकेत हो गया NH, इसीलिए जो है इसको अस्थाई नाम बोला जाता है IUPAC नेम को। IUPAC नेम तब तक यूज में आता है जब तक कि किसी एलिमेंट का नाम हमें पता नहीं चल जाए। तो आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी, IUPAC नाम क्या है, IUPAC नेम को अस्थाई नेम क्यों कहा जाता है, और IUPAC नेम किसी एलिमेंट का हम किस तरह से लिखेंगे। आई होप ये सारी बातें आपको इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये बातें आपको समझ में आई है और आपको लगता है कि आप यहाँ से कुछ सीख पाए हो, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमें इसी तरह से प्रोत्साहित करते रहें, और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस बातों को, इन सारी जानकारियों को।
और इसी तरह के अनेक अच्छे अच्छे जानकारी और अच्छे अच्छे केमिस्ट्री के ट्रिक्स और मैथ्स के अनेक इसी तरह के जुगाड़ के लिए, अच्छे अच्छे ट्रिक्स को पाने के लिए, चाहे वो मैथ्स हो या केमिस्ट्री हो या और सारी चीज़ जैसे MBA के टॉपिक्स भी हमारे चैनल पर आते हैं, या फिर आपको GK GS जनरल कंपटीशन से रिलेटेड जो भी टर्म और टॉपिक्स आप खोजते हो वो सब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस तरह के सारे नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए खुश रहें, खुश रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ़।